हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको इस नींबू के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, जिसे आप देखकर चौंक जाओगे। आप देखिए इस पौधे में किस तरह से नींबू, ये बिल्कुल कागजी नींबू लगे हैं। ये आपको सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद नींबू है। इस तरह से आप नींबू आप अपने घर के या आप घर के गमले में अवश्य लगाएं, क्योंकि इस नींबू का फायदे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों ये नींबू बहुत ही अच्छे लगते हैं पीने से, और ये बहुत ही फायदेमंद है। ये शरीर के अंदर जब भी जाता है तो शरीर के एनर्जी को ये दुगना कर देती है। और ये इस तरह से इनकी पत्तियां हैं, जो आप देख रहे हो कि ये नींबू किस तरह से एकदम लगे हैं। और इस तरह से आप पौधे में मेरे देख सकते हो कि ये कितने बड़े बड़े नींबू लगे हैं दोस्तों। तो आप यदि मेरी वीडियो पर नए हो तो मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह से नींबू जब भी फलते हैं तो ये पौधे में बहुत ही अच्छे और ग्रो करते हैं। और इनके फ्लावर, ये हमारे पास नींबू जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये 12 मास नींबू फल देने वाला पौधा है। इस तरह से ये देखिए जगह जगह में नींबू बहुत ही अच्छे तरह से ये लगे हुए हैं। यदि आप नींबू देख रहे हो कि ये कितनी बढ़िया तरह से लगे हैं, आप पौधे में ये कितने अच्छी तरह से नींबू लगे हैं दोस्तों, तो आप इस नींबू को आप अचार भी बना सकते हो, आप इसको नींबू पानी भी पी सकते हो, इस नींबू को आप कई रूप में भी यूज ले सकते हो दोस्तों। क्योंकि इस से आपको पेट का सारे कब्जियत या सारे आपको पेट का दर्द या जो भी आपको पेट में गड़गड़ाहट हो रही है, तो इसको आप नींबू पानी और नमक के साथ भी ले सकते हो इसे। और इनका कटिंग भी लगाया जाता है, नींबू का कटिंग। आप दोस्तों नींबू का पौधा लगाते हो, जब भी लगाते हो तो आप इस तरह से इनका कटिंग काट कर लगाओ, इससे आपको फायदे होंगे और इससे आपको बहुत सारे जानकारियां प्राप्त होगी दोस्तों। तो ये देखिए, ये हमारे नींबू में अभी देखिए एक फ्लावर लगे हुए हैं। इस तरह से नींबू पौधे में लगे हुए हैं, पर यहाँ देखिए एक दूसरी तरफ से ये फ्लावर निकल आ रहे हैं। इस फ्लावर को आप देख रहे हो कि ये फ्लावर कितनी बढ़िया तरह से एकदम निकल आई हुई है। ये फ्लावर में आपको बिल्कुल ही नींबू लटकेगी और नींबू खाकर आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में नींबू का रस निकाला जाता है। और इस नींबू का आप कटिंग कहाँ से लगाओगे, तो मैं आपको कटिंग भी लगाकर दिखाऊंगी इस तरह से। क्योंकि जब आप कटिंग नहीं लगाओगे दोस्तों, तो आप नहीं समझ पाओगे कि इस नींबू को किस तरह से आपको लगाना है। तो आप देखिए, मैं आपको अपने वीडियो पर दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से नींबू को लगाना है और इसके बहुत सारे फायदे पाना है। इस नींबू का पौधा आप देखिए, हमारी इस नींबू कब फरता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको मार्च और अप्रैल में ये नींबू आपको एकदम तैयार मिलेगी। इस तरह से ये तैयार है, जिस तरह से ये पौधे में लगे हुए नींबू हैं वो आपको तैयार मिल रही है। तो ये आप घर पे लगाते हो तो इस तरह से आपको नींबू का पौधा देखिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये तो अभी बहुत ही छोटे नींबू है। इस तरह से आप देखिए कहाँ कहाँ नींबू लगे हुए हैं, अच्छे तरह से देखिए मेरी वीडियो पर। और इस तरह से ये बहुत ही अधिक मात्रा में नींबू लगे हुए हैं दोस्तों। तो मैं आपको कटिंग लगाकर दिखाती हूँ, क्योंकि अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अभी से नींबू का कटिंग आप लगाते हो तो इससे आपको क्या होगा कि नींबू का पौधा लगने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी और ये नींबू बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएंगे। आप इस पौधे में अवश्य नींबू लगाइएगा तो आप इस पौधे से आप नींबू पाएंगे दोस्तों। इस तरह से देखिए, ये यहाँ भी नींबू हर जगह पर लगाए हैं। ये देखिए इसके साथ साथ ये घोंसले भी इसमें लगाए हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको कटिंग कट कर दिखाती हूँ कि आपको कटिंग कैसा लगाना है। तो दोस्तों आप देखिए, ये हमारे पास हैं नाजुक कलियाँ। इस कलियाँ को आप यदि लगाते हो तो इससे आपको पौधे बिल्कुल ग्रो नहीं करेगी। और जब भी आपको लगाना है टहनियाँ, तो आप मोटे टहनियाँ लगाएँ, क्योंकि आप यदि नाजुक टहनियाँ लगाते हो तो इससे पौधे नहीं निकल आएंगे। और आप अगर साल दो साल पुराना टहनियाँ लगाते हो दोस्तों, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे पौधे ग्रो करेंगी और इससे नींबू का दूसरा रूप तैयार भी हो सकते हैं। तो ये देखिए मेरे यहाँ ये कई साल पुराने हैं, इनके डंठल देखिए ब्राउन कलर का हो चुका है यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कांटे बहुत होते हैं और इसको काटने में बहुत थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैं इसको
एक कैंची की मदद से इसको कट कर रही हूँ। कट करने से क्या होगा दोस्तों, ये मैंने तो कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से मैंने इस कटिंग को कर लिया है कट। और इसको मैं आपको लगाकर बताऊंगी, क्योंकि मैं हर पौधे को कटिंग द्वारा लगाकर तैयार करती हूँ, तो ये पौधे भी मैं कटिंग द्वारा आपको लगाकर बताऊंगी। इस तरह से मैं पौधे को आपको लगाकर, चलिए मैं आपको अपनी वीडियो पर दिखाती हूँ कि पौधे को कटिंग द्वारा कैसे लगाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस तरह से ये नींबू का कटिंग काट लिया है, क्योंकि आपको थोड़ा सा टेढ़ा काटना है। जब भी इसका ये नुकीला काटे तो ये टेढ़े काटे। टेढ़े काटने से क्या होगा दोस्तों कि ये नींबू का पौधा बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ लगाकर कि देखिए इस तरह से आप प्लास्टिक ले लें, और ये प्लास्टिक में आप पौधे अच्छी तरह से लगा सकते हो। ये देखिए मैंने इस तरह से चार लिए हैं, जो आप देख रहे हो मेरे पास ये चार है। चारों में आपको पौधे उगाना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इस पौधे को कटिंग लिया है, और इसको क्या करना है दोस्तों, इसको हल्का टेढ़ा सा इसमें लगा देना है। देखिए मैं इस पौधे में लगा रही हूँ, और भी देखिए इस तरह से मैं इसमें भी लगा रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, आप हर पौधे इसको जड़ से लगा सकती हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कटिंग द्वारा तैयार होगी। नींबू का पौधा एकदम आसान तरीके से लगते हैं। इस मैंने इस प्लास्टिक में मैंने गोबर मिट्टी सब मिलाकर रखी है। ये कटिंग द्वारा आप देख रहे हो कि ये कैसे पौधे लगाए हैं मैंने दोस्तों। तो आप यदि इस तरह से वीडियो बनाती हो, आप इस तरह से पौधे उगाती हो, इस तरह से लगाती हो कटिंग, तो हर पौधा का कटिंग आपके घर में तैयार मिलेगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों नींबू का कटिंग आप घर पे अवश्य लगाएं दोस्तों। बाय बाय।